मीन राशि आपके वो लबरी उबरी जो भी है, या आपका फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कोई भी हो, ठीक है। और आपका हो गया सिंह राशि, ठीक है। और आप मीन राशि से अगर गिनोगे सिंह राशि तक तो बनता है षड़ाष्टक, ठीक है। गिन लो, मीन एक, मेष दो, बृहस्पति तीन, मिथुन चार, कर्क पांच, सिंह आ गया छः। समझ में आ गया? एक बात बताओ, आपका सिंह राशि से मीन को गिनोगे तो बनेगा आठ। तो छः और आठ, जितना आपको कुंडली के बारे में नॉलेज हो, क्या ये राशि मैत्री बनता है? छः, हाँ, क्या क्या बनता है थोड़ा हमको भी बताओ, हम भी नया काम सीखें थोड़ा सा, बनता ना। अब सुनो, दूसरा दिखा कि नक्षत्र को देखो, आपका क्या नक्षत्र हो गया? अरे महाराज, सिंह राशि में आपका नक्षत्र को पूछ रहा हूं। ये जो गर्लफ्रेंड है, उत्तर भाद्रपद शनि का नक्षत्र है, ठीक है। ओके, और यहां सबसे पहला तो राशि आपके साथ सेटिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी ये जिंदगी में आपसे मीन राशि पड़ता है अष्टम, यानी क्या? मृत्यु तुल्य पीड़ा, ठीक है। मृत्यु तुल्य पीड़ा यहां से मिलने वाला है, यानी आपको वहां से कष्ट मिलेगा। अच्छा, उनसे आपको क्या मिलेगा? छे रोग, रिपु और ऋण, उनके लिए रोग, ऋण, रिपु माने शत्रुता बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बन गया षड़ाष्टक। नक्षत्र को अगर हम लोग गिनते हैं तो आपके नक्षत्र और इनका नक्षत्र सिंह राशि का जो तीन नक्षत्र सिंह राशि में पड़े हैं, वो एक हो गया मघा, पूर्वा और उत्तरा। और यहाँ से अगर उनका वहाँ तक काउंट करते हो तो ये एक पड़ता है बाधक, बाधक नक्षत्र में आ रहा है, ठीक है। तो काम में बाधा, यानी आप अपना बिजनेस करोगे या उसका टेंशन संभालने जाओगे? आप, आपके लिए बिजनेस में सपोर्टिव है क्या? आपके लिए जीवन में सपोर्टिव है क्या? बल्कि आप हृदय में उनके लिए प्रेम, उनके लिए कामना, उनके लिए वासना, उनके लिए हृदय में अच्छा भावना लेके रखे हो, लेकिन मेरा अनुभव है, लिख लो, जब चलो आप दौड़ दाड़ के उसको निकाल भी लो उसके कष्ट पीड़ा से, लेकिन उसके बाद ये कभी नहीं सोचना कि आपको सर माथे में वो रखेगी या आपको अच्छा कर देगी, या आपको, आप जो चाहते हो या आपके मन में जो भी कामना वासना इच्छा पूर्णी पूर्ति, या उसको हम अच्छा कर दें, कितना भी करके रख लो, ये ओपन चैलेंज लिख लो कागज, खाता कागज में, मेरा बात, हो सकता है कष्ट लगे आपको या इसके बाद बात ही ना करो, लेकिन आप लिख के रख लो, ये चैलेंज है कि आप सब कुछ सहायता करके सब कुछ कर दो, बढ़िया कर दो, बढ़िया राजथाट बना के, महारानी बना के, मुकुट उकुट लगा के, 10-20-25 नौकरी नौकर नौकरानी दे दो, सब कुछ कर देना फाइनल। जिंदगी में आखिरी मोमेंट में ये आपके तरफ उंगली दिखाएगी, ये लिख लो, पूरे पूरे डंके के चोट पे कह रहा हूं, ग्रह नक्षत्र देख के। ये पॉजिटिव राशि से नहीं बनता। अगर आप लग्न का बात करते हो तो आपके लग्न उनके लग्न में थोड़ा सा पॉजिटिव है, यानी फिजिकली आपको तो एंजॉयमेंट मिलेगा, लेकिन आगे चल के मेंटल लेवल पे, और देखो सारा खेल तो मन ही करता है ना, तो शारीरिक लेवल पे जहां उसका प्रेजेंस रहेगा आपको तो बढ़िया लगेगा, लेकिन मेंटल लेवल पे आपको तो पीड़ा कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। नक्षत्रिक इंटरनल हार्ट एंड चोक लेवल से ही यहां से आपको पीड़ा ही पीड़ा मिलेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन पे इट इज नॉट गुड, लेकिन मानवीयता के दृष्टिकोण में अगर आप पॉजिटिव सपोर्ट करते हो तो आपको तो पेंडिंग कर्म पूरा करना ही पड़ेगा। हाँ, एकदम पूर्व जन्म का ही संबंध है, पूर्व जन्म का ही संबंध है, कर्म का, कर्म के लिए तो षडाष्टक संबंध बनता है, क्योंकि आपको उससे उसका बकैया पूरा करना, उसको आपसे बकैया पूरा करना, या तो आप लूटोगे या तो लुटवाएगी वो, ठीक है। और इसके लिए चाहते हो तो एक बार भृगु खोल के देख लो, दोनों का निकल जाएगा कि कौन कौन से भृगु शास्त्र।